ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस विधायक नगर निगम परिषद की बैठक में पहुंचे और करीब 28 मिनट तक पार्षदों के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। इस दौरान पाठक ने निगम प्रशासन पर कटाक्ष भी किया और कहा कि निगम में एक ही अफसर लंबे समय से पदस्थ है, बाबू की एडिशनल कमिश्नर तक बना दिया गया है। अब शहर के 66 पार्षदों में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि वो निगम के कार्यों से संतुष्ट है। साथ ही उन्होंने सभापति से निवेदन करते हुए ये भी कहा कि ऐसी स्थिति निर्मित करें जिससे किसी भी पार्षद को चैंबर, सीवर या स्ट्रीट लाइट के लिए भीख तो ना मांगना पड़े। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम ग्वालियर की नगर निगम में स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, हम सीवर के ढक्कनों की बात करते हैं, मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही, हम इस पर बात करते हैं। बात कौन करेगा कि ग्वालियर कैसे तरक्की करे, और इसका दोषी कौन है? इसके दोषी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी। लगातार ऐसे लोगों को अवसर दे रहे हो जो बार बार फेल हो रहे। ये मैंने आज सदन में परिषद में आकर कहा और सभापति के माध्यम से कमिश्नर को भी अनुरोध किया।